कोविड की मदद के लिए भारत के लिए बहुत सारे देश आगे बढ़े हैं। अमेरिका और अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से आगे बढ़ा है वो हमने कहीं और नहीं देखा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं USISPF के सीईओ मुकेश आगी, जो हमें बताएंगे कि अमेरिकन कंपनीज किस तरीके से सपोर्ट भेज रहे हैं भारत को। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ और दुनिया तक के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे कि आपने एक टास्क फोर्स बनाया है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्या मदद भेज रहे हैं भारत? तो पहली मदद हम जो कर रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर कर रहे हैं कि वो दवाइयाँ और इक्विपमेंट भेजें राइट अवे इंडिया को, वो क्रिटिकल है काफ़ी। और दूसरा है जो कंपनीज हैं वो सोर्स कर रही हैं वैक्सीन्स की, दवाइयों की, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की, ऑक्सीजन टैंक्स की, और ये सब सारी मूवमेंट शुरू हो गई है। काफ़ी ये चीज़ें हम जो ले रहे हैं वो इसराइल से आ रही है, टर्की से आ रही है, चाइना से आ रही है। टाइम लगता है पर हमारी पहली कंसाइनमेंट कल आई थी और आप देखेंगे रोजाना 1-1 हजार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आएंगे। 1-1 हजार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रोज, जिसमें आप 31,000 कह रहे टोटल है जो आपने ऑलरेडी मोबिलाइज कर लिया है या सोर्स कर लिया है। जी, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 1 लाख कॉन्सेंट्रेटर भेजें मई एंड तक। मई एंड तक 1 लाख, उससे जी बहुत ही ज्यादा मदद होगी भारत की, क्योंकि आज अगर आप परिस्थितियों को देखें तो हॉस्पिटल बेड्स या लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है उसमें ऑक्सीजन सबसे आगे है। ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से जितने प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, जितने लोगों की जान जा रही है, उसको देखते हुए आपका और जो कम्युनिटी की मदद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जानना चाहेंगे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पहले काफी रिलक्टेंट था, उसके बाद आगे बढ़कर बहुत ही ज्यादा मदद करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। तो कैसे आपने इंगेज किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो जो स्टेटमेंट था अमेरिका फर्स्ट वाला, उसको कैसे आपने चेंज किया? जो अमेरिका फर्स्ट स्टेटमेंट था गलत था, और हमने बेसिकली मोबिलाइज करा अमेरिकन कंपनीज को, वो फोन करे प्रेसिडेंट बाइडेन को, फोन करे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल ब्लिंकन को और जेक सलिवन जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, क्योंकि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है यूएस का। आपको देखना चाहिएगा पिछले साल जब यूएस को मदद चाहिए थी, इंडिया ने मेडिसिन भेजी थी यूएस को। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने मेडिसिन भेजी थी। अब इंडिया को जरूरत है, एज अ फ्रेंड इंडिया हैज टू ऑल्सो सपोर्ट यूएस। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी प्रेशर करा, तो उन्होंने अब सारे ब्यूरोक्रेसी को मोबिलाइज करा है, वो लोग जनरेटर भेज रहे हैं, वो लोग वैक्सीन सोच रहे हैं भेजने की, वो सारी दवाइयां ओपन कर दी हैं, और वो अपनी एडवाइसेस भेज रहे हैं कि पेंडेमिक कैसे मैनेज करें। और जो यूएस कंपनीज हैं वो बेसिकली पैसे इकट्ठा करके हम लोग सारी सोर्सिंग कर रहे हैं, रेमडेसिविर ड्रग हो गया, फेविपिर हो गया, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन टैंक्स, जो भी चाहिए हम भेज रहे हैं। और हम डेली कांटेक्ट हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि क्या होता है डिमांड की नीड जो रिक्वायरमेंट है वो शिफ्ट होती रहती है। अब मुकेश जी, जो वैक्सीन नेशनलिज्म की बात करते हैं, होर्डिंग की बात करते हैं कि अमेरिका के पास फाइजर मॉडर्ना पहले से था, एस्ट्रोजिनेका की उनको जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनको उनको अप्रूवल्स ही नहीं है, उनके सरकार ने अप्रूवल्स ही नहीं दिए है, तो तब भारत को देने में इतना रिलक्टेंस क्यों? और कहीं ना कहीं होर्डिंग का सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या अमेरिका इतने सारे वैक्सीन अपने पास रख कर बाकी देशों का अगर की अगर मदद नहीं करता है तो कहाँ से इतना बड़ा देश हुआ? और जो सवाल उठते हैं कि अगर सुपर पावर है और अगर इतना बड़ा देश है तो फिर बाकी देशों की मदद क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े हो गए। नहीं, वो खड़े हुए थे। आपको देखना चाहिए कि जो डिफेंस वॉर एक्ट था, जिसमें क्या होता है कि कंपनीज को फर्स्ट यूएस को देना पड़ेगा सामान, उसमें कुछ रेगुलेशन है, कुछ लॉज हैं जो अलाउ नहीं करते वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने के लिए, और उस लॉज को बेसिकली इनको चेंज करना था थ्रू प्रेसिडेंट ऑर्डर, वो कर रहे हैं। तो इट वॉज क्या कहते हैं, लिमिटेशन, इंटेंशन तो थी पर लिमिटेशन ऑफ द लॉ वो नहीं अलाउ कर रही थी इनको एक्सपोर्ट करने की। अब वो हो रहा है, और हमने उनको कहा है कि आप
इंडिया को लोन करें, देना दें, लोन करें 20 मिलियन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, और बाय एंड ऑफ द ईयर इंडिया वापस कर देगा. उसमें क्या है कि यू आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ ऑल्सो. ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखा है, प्रपोजल रखा है. देखना होगा कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस पर अमल करेगी और मानेगी या नहीं. लेकिन अगर हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बात करें, USISPF अकेले ने काफी सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को मोबिलाइज किया है, सोर्स किया है. उनको भारत आप कब तक भेज सकते हैं, कैसे भेजेंगे और कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? हमें प्रॉब्लम परचेसिंग की नहीं थी, हमें प्रॉब्लम हो रही है लॉजिस्टिक्स की इस टाइम. क्योंकि क्या, हमने लाइक एक शिपमेंट ली थी चाइना से और चाइना ने सारी कार्गो फ्लाइट्स इंडिया बंद कर दी हैं, तो हमें शिपमेंट वो शंघाई से जापान भेजी गई, फिर जापान से दूसरे प्लेन से लेकर दिल्ली आई, तो उसमें हमें करीब 48 आवर्स लॉस हो गए हैं. और आपको क्या है कि इस मोमेंट में टाइम इज ऑफ एसेंस. जितनी जल्दी हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लोगों को देंगे उतनी लाइव्स बदलेगी. तो हम देख रहे हैं कैसे और जल्दी से और सामान लाएं. हमारे पास 31,000 सोर्स कर रखे हैं हमने एक ग्लोबली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर. हमारा ऑब्जेक्टिव है 1,00,000 के लिए, और लॉजिस्टिक जो चैलेंज होगा उसको देखना पड़ेगा. और हम इस पार्टनरशिप फेडरल एक्सप्रेस के साथ ये सब सामान भेज रहे हैं और ये सब ग्रांट्स के तौर पे जा रहे हैं. जी आखिरी सवाल, जितने भी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है और बिजनेस कम्युनिटीज अमेरिका में है, उनके दोस्त, उनके फैमिली मेंबर्स भारत में है, काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं आप भारत से, तो ये जो सेकेंड वेव आप देख रहे हैं, इसका जो असेसमेंट अगर आप करें तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारत ने हैंडल किया, चाहे वो सरकार हो चाहे लोग हो, आपके असेसमेंट में क्या कुछ बेहतर हो सकता था, क्या कहीं पे कुछ कमी रह गई कि भारत को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? यहाँ पर लोग परेशान हैं और कोशिश भी करें कि क्या करें, क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडिया में हैं, रिलेटिव्स इंडिया में हैं, फ्रेंड्स इंडिया में हैं, तो इमोशनल अटैचमेंट बहुत है इंडिया से. और अगर इंडिया क्राइसिस में जा रहा है तो इनको इम्पैक्ट काफी होता है. तो दैट्स वन एस्पेक्ट. दूसरा ये है कि पेंडेमिक ये अनयूजुअल हैगा, और आप देखिएगा यूरोप में, इटली में, फ्रांस में, यूएस में, जो डेवलप कंट्री है उनको भी सेकेंड वेव, थर्ड वेव आई थी, जो दे वर नॉट फुली प्रिपेयर. तो अब क्या है कि आप, हम बोल सकते हैं कि दे कुड हैव डन बेटर, पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और हम देख रहे हैं कि जो भी हमने रिक्वेस्ट करी है वो रोजाना हमें क्लियर करते हैं, हमारे शिपमेंट क्लियर करते हैं, कोई इशू नहीं है. तो एफर्ट क्या है, टीम एफर्ट है हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, लोगों की तरफ से. तो इस टाइम हमें कोशिश करनी है कि जो भी चाहिए वो हम इंडिया ले आए वापस जल्दी से जल्दी, तो लाइव्स बच सकें. आप जैसा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े रहते हैं, वैसे भारत की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, भारत सरकार के साथ? हमारी रोजाना कम्युनिकेशन है भारत सरकार के साथ, एम्बेसडर तरजीत के साथ, और चेयरमैन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी श्री अमिताभ कांत जी के साथ हम रोजाना देखते हैं. क्योंकि क्या होता है, रिक्वायरमेंट शिफ्ट होती है और उनकी रिस्क चेंज होती है रोजाना, तो हम वो कैलकुलेट करते हैं रिस्क और कैलिब्रेट करते हैं रिस्क, उस सामान से हम ऑर्डर करते हैं और शिपमेंट करते हैं.